Namaskar and a very good morning. Welcome to the webcast from Kotak Securities. I'm your host and guide, Anindya Banerjee. Asian equity markets make halka sa sell-off hai, but nothing major. At least that is not going to impact the dollar rupee much. Last 5 haftos se ye currency ek range mein fasa hua hai. 80 paise ka range hai between 74.20 and 75 on spot, jo August futures mein translate hota hai kareeb 74.40 as a major support on the range, or 75.10 ke aaspas on the upper level. बट इसके बीच में लास्ट एक हफ्तों में क्या हुआ है कि 74.60 ऑन स्पॉट, विच विल बी रफली अराउंड 74.70-80 ऑन द ऑगस्ट फ्यूचर्स, वहां पे एक रेजिस्टेंस बनाया तो रेंज और नैरो हो गया. इस कंडीशन में जहां पे कोई भी ट्रिगर नहीं आ रहा है, इनफैक्ट ऑयल प्राइसेस जो 76 के तरफ जा रहा था वह वापस 73 पे आ गया ब्रेंट, तो ऑयल से तो कुछ आने वाला नहीं है. एशियन इक्विटीज एक दिन डाउन एक दिन अप है, यूएस इक्विटीज का भी सेम हालत है. तो वॉलेटिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस आर डाउन. लुक एट विक्स, इट्स हेडिंग टू अ रिकॉर्ड लो, क्लोज टू 10. सो ये लो वॉलेटिलिटी सिर्फ डॉलर रुपी का इशू नहीं है, इट इज अक्रॉस द बोर्ड. क्योंकि जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होता है इक्विटी मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, ग्लोबली, वो सीधा इम्पैक्ट करता है ऑल अदर एसेट क्लासेस इन द वर्ल्ड, एमर्जिंग मार्केट्स, एवरीथिंग, एफएक्स को भी. बट जब तक लो वॉलिटिलिटी ये मेन मार्केट्स में है, तब तक यहाँ पे वॉलिटिलिटी आना डिफिकल्ट है. बट हम लोग को ध्यान रखना है, मंथ्स ऑफ लो वॉलिटिलिटी पेव्स द वे फॉर हाई वॉलिटिलिटी इन द फ्यूचर. सो वॉलिटिलिटी कैन रिटर्न एनी टाइम, एंड जनरली जब लो वॉलिटाइल फेज होता है उसके बाद जो हाई वॉलिटिलिटी आता है वो जनरली इट इज ट्रिगर्ड बाय एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. So, risks तो है, जैसे we have to keep an eye on China, we have to keep an eye on COVID, we have to keep an eye on the Fed, all those things are there. तो ये डॉलर रुपी का मार्केट अभी फिलहाल ऑप्शन ट्रेडर्स का मार्केट है, एकदम सिंपल. क्योंकि जब रेंज बाउंड होता है तब फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज योर स्टॉप लॉसेस कैन गेट हिट. तो ऑप्शन आप बेच के खेल सकते हो, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, एट द मनी स्ट्रैडल या आउट ऑफ मनी स्ट्रैंगल करके. बट क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में अनलिमिटेड रिस्क है, विदाउट स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेडिंग कभी भी करना नहीं चाहिए. लास्ट 5 हफ्तों में ये स्ट्रैटेजीज हैव वर्क्ड क्वाइट वेल, बोथ इन द वीकली ऑप्शंस एज वेल एज द मंथ एंड ऑप्शंस. तो दोनों ही में आप कर सकते हो यूजिंग वीकली ऑप्शंस एंड मंथ एंड ऑप्शंस, बट मेंटेन अ स्टॉप लॉस बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी फोकस इंटरनेशनल करेंसीज पे भी होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट हायर वॉलेटिलिटी है दैन डॉलर रुपीज. सो यूरो आईएनआर पे फोकस कीजिए, जीबीपी आईएनआर पे फोकस कीजिए क्योंकि वो हाई बीटा करेंसीज है. और जीबीपी आईएनआर और यूरो आईएनआर का ट्रेंड तो फिलहाल अपवर्ड है शॉर्ट टर्म में. अगर मैं दोनों करेंसी के बीच पिक करूँ कौन सा, तो मैं बोलूँगा जीबीपी आईएनआर पे ध्यान बुलिश रखना चाहिए क्योंकि वीक डॉलर इंडेक्स एनवायरमेंट में जीबीपी आईएनआर विल डू वेल. So with this, I am concluding this morning audio cast. Have a fantastic day ahead.